नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। गिरिडीह से रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर आई है। एक चाचा ने अपने भतीजे की पत्नी को भगाकर शादी कर ली। चाची और भतीजा इस शादी के विरोध में परिवार से लेकर कानून तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के सर पर इश्क का भूत कुछ इस कदर सवार है कि ना छोटे छोटे बच्चों की फिक्र है ना रिश्ते की। इसका खुलासा भी उन्हीं दोनों ने शादी का वीडियो वायरल करके किया है। यह वाकया गाँव थाना इलाके के पंड्रिया का है। गांव थाना क्षेत्र के पंड्रिया निवासी लालू प्रसाद यादव की पत्नी संगीता देवी ने गांव थाना में आवेदन देकर अपने पति पर एक शादीशुदा महिला से दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया है। थाने को दिए आवेदन में संगीता देवी ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व उसकी शादी पंड्रिया निवासी प्रसाद यादव के पुत्र लालू प्रसाद यादव से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के बाद अपने ससुराल पंड्रिया में रहती थी। इस बीच मुझे दो पुत्र हुए, पहला पुत्र 4 वर्ष का, दूसरा पुत्र 2 वर्ष का है। पति लालू प्रसाद यादव दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करने के दौरान ही वे गांव की ही एक शादीशुदा महिला से लालू प्रसाद का प्रेम संबंध कायम हो गया। महिला रूपा देवी लालू यादव के भतीजे राहुल यादव की पत्नी है। इस प्रकार वह रिश्ते में उसकी बहू लगती है। राहुल यादव अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रह रहा था। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान चाचा ने भतीजे के घर में लालू ने डाका डाल दिया। जानकारी के मुताबिक लालू और राहुल की पत्नी रूपा देवी ने 14 दिसंबर को विवाह कर लिया। शादी से पहले के दोनों 4 दिनों तक गायब रहे। 14 दिसंबर को शादी करके लालू ने ही वीडियो वायरल कर दूसरी शादी का खुलासा किया। उनके विवाह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर जब गांव के ही आस पड़ोस के लोगों ने लालू यादव से बात की तो लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कहा कि उसने रूपा देवी के साथ शादी कर ली है और पहली पत्नी संगीता को अब नहीं रखेगा। इस मामले में पीड़िता संगीता देवी ने न्याय की गुहार लगाई है। इधर गाँव की मुखिया अनुरूपा देवी ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जल्द न्याय दिलवाने की अपील की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।